Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो आज है अपने पास Honda Dio 125H Smart में दो वेरिएंट, एक है Dio 125H Smart रेगुलर वेरिएंट और दूसरा है टॉप ऑफ द लाइन स्पेशल एडिशन, मेरा मतलब है रेपसोल एडिशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन दोनों स्कूटर के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंसेज है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ना ही इसके राइवल्स में और कौन से स्कूटर मिलता है उनके साथ कंपेयर करने वाला है, बस इन दोनों स्कूटर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज है, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है उसके बारे में बात करने वाला है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो Dio 125H Smart रेगुलर वेरिएंट की जो एक शोरूम कीमत है वो लगभग 92,000 के आसपास और रेपसोल एडिशन की एक शोरूम कीमत है 93,000 के आसपास। और अधिकारी ऑटोमोबाइल्स जटेसर में 125H Smart रेगुलर वेरिएंट आपको मिलता है 1,12,000 के आसपास और रेपसोल एडिशन मिलता है 1,13,000 के आसपास। तो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके हमें रेपसोल एडिशन क्यों लेना चाहिए, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ज़्यादा मिलता है, बस यही सब चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हर बार की तरह शुरू करते हैं सामने से। तो सबसे पहले दोनों स्कूटर में फ्रंट लुक बिल्कुल एकदम एक जैसा ही रखा गया है। यहाँ पे LED DRL दिया गया है, यहाँ पे LED हेडलैम्प दिया गया है, इंडिकेटर्स हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है और दूसरी तरफ इसमें भी यहाँ पे LED DRL दिया गया है, यहाँ पे LED हेडलैम्प दिया गया है और इंडिकेटर्स हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है। फ्रंट लुक या फिर साइड प्रोफाइल दोनों स्कूटर में सिमिलरली रखा गया है। यहाँ पे कुछ कार्बन फिनिश जैसा कुछ दे दिया है, यहाँ पे स्पेशल टच और इसमें भी आपको ये स्पेशल टच देखने को मिलता है यहाँ पे। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो रेपसोल एडिशन में यहाँ पे रेपसोल की ब्रांडिंग है खूबसूरत सा, नीचे होंडा की ब्रांडिंग है और यहाँ पे रेपसोल की ब्रांडिंग है फिर से और Dio 125H Smart की ब्रांडिंग यहाँ पे है। और इस तरफ इसमें यहाँ पे Dio की बैजिंग है, यहाँ पे H Smart की बैजिंग है और नीचे होंडा की ब्रांडिंग है, यहाँ पे 125 की बैजिंग यहाँ पे। साइड प्रोफाइल से और फ्रंट लुक से दोनों स्कूटर सिमिलर ही है। तो डिफरेंस क्या है, पीछे मजाक कर रहा हूँ, पीछे भी दोनों स्कूटर में हमें सब कुछ सिमिलर ही मिलता है। हेलोजन बल्ब के साथ टर्न इंडिकेटर, हेलोजन बल्ब के साथ टेल लैंप, मडगार्ड फाइबर का। और रियर व्हील की बात करें तो रियर में हमें 10 इंच का व्हील मिलता है और 90/100 है इसका टायर प्रोफाइल। और 125H Smart में आपको एग्जॉस्ट के सामने कुछ ऐसा गार्ड देखने को मिलता है हमें। यहाँ पे बैरल दिया गया है दो, लेकिन एक ही बैरल ही यहाँ पे सिर्फ दिया गया है दो। और फ्रंट व्हील की बात करें तो फ्रंट में हमें 12 इंच का व्हील मिलता है और 90/90 है इसका टायर प्रोफाइल। और दूसरी तरफ रेपसोल एडिशन में फ्रंट में हमें सिमिलर ही मिलता है 12 इंच का व्हील और 90/90 टायर प्रोफाइल। और रियर व्हील की बात करें तो रियर में भी हमें 10 इंच का व्हील मिलता है और 90/100 है इसका टायर प्रोफाइल। और इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो दोनों स्कूटर में हमें इंजन भी सिमिलर ही मिलता है, 123.94 cc का इंजन सिंगल सिलेंडर जो पावर जनरेट करता है अप्रॉक्स 8.16 bhp और 10.4 Nm ऑफ टॉर्क का। फ्यूल टैंक भी हमें सिमिलर ही देखने को मिलता है 5.3 लीटर्स की और 1.6 लीटर्स की हमें रिजर्व टैंक देखने को मिलता है दोनों स्कूटर पर। और सीट हाइट दोनों स्कूटर पर सिमिलर ही है 792 mm की। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों स्कूटर में आपको डिजिटली मिलता है, रेपसोल एडिशन में भी आपको डिजिटली मिलता है यहाँ पे जैसा कि उसमें मिलता है आपको। और यहाँ पे H Smart की और एक चीज़ आपको H Smart की चाबी में मिलता है, ये सारी चीज़ें। ये आपको अगर आपकी बैटरी काम नहीं कर रहा और आपको सीट खोलना है तो कैसे खोलना है, इसको आप सिंपली ऐसे बाहर निकाल सकते हैं और इसको अंदर डाल के यहाँ पे एक नार वगैरह इसको फंसा के अंदर, इसको कैसे फंसाते हैं, इसको ऐसे फंसा के आप इसे खोल सकते हैं। सीट को किसी और दिन दिखाएंगे, हालांकि वो मैं दिखा भी चुका हूँ, इसको बंद कर लेते हैं अभी। तो ऐसा है कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुल्ली डिजिटल, यहाँ पे आपको टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे साइड स्टैंड मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलेगा, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ नहीं है और ना ही कोई USB चार्जिंग पोर्ट आपको देखने को मिलता है रेपसोल एडिशन में भी, ये इसमें तो होना चाहिए था। और सीट की बात करें तो बूट में भी हमें ना ही कोई USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, ना ही कोई बल्ब दिया गया यहाँ पे रेपसोल एडिशन में भी। तो 1,000 रुपये किस काम का भाई। और इसमें भी आपको फुल्ली डिजिटल ही मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और इसमें भी बूट में ना ही कोई लैंप या फिर
यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिलता है, यहाँ पे एक हुक दिया गया है यहाँ पे कुछ टांगने के लिए, इसमें भी आपको मिलता है ये चीज़, पॉकेट होल्डर यहाँ पे, और स्मार्ट में भी आपको यहाँ पे पॉकेट होल्डर देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें गया सिमिलरिटीज़ के बारे में। तो अभी आते हैं कि रेप्सोल एडिशन में हमें अलग क्या मिलता है स्मार्ट इस वेरिएंट से। ये तो गया भाई दोनों स्कूटर के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है उसके बारे में। एक और चीज़ जो मुझसे छूट गया, डियो 125 स्मार्ट में भी हमें E20 की बैजिंग मिलता है यहाँ पे, मतलब दोनों स्कूटर ही इथेनॉल परसेंटेज 20% ऑफ इथेनॉल ले सकता है। तो ये तो गया सिमिलरिटीज़ के बारे में। तो अभी बात कर लेते हैं दोनों स्कूटर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले जो मेजर डिफरेंस है दोनों स्कूटर के बीच में वो है ग्राफिक्स। रेप्सोल एडिशन में हमें यहाँ पर रेप्सोल के ब्रांडिंग देखने को मिलता है, खूबसूरत सा यहाँ पर रेड वाइट और ऑरेंज कलर के ग्राफिक्स मिलता है कॉम्बिनेशन के साथ। व्हील्स आपको ऑरेंज कलर में मिलता है, जहाँ डियो 125 रेगुलर वेरिएंट में हमें ऐसा कुछ ग्राफिक्स मिलता है, और भी कलर ऑप्शन मिलता है लेकिन ऐसा मिलता है कुछ ग्राफिक्स। और क्या डिफरेंस है यहाँ पे एग्जॉस्ट गार्ड में, यहाँ पे हमें ब्लैक कलर की एग्जॉस्ट गार्ड मिलता है, और दूसरी तरफ डियो 125 उस वेरिएंट में हमें सिल्वर फिनिश में मिलता है। सिर्फ यही दो चीज़ है जो मुझे अलग लगी रेप्सोल एडिशन में, बाकी तो कुछ भी मुझे अलग नज़र नहीं आ रहा है। दोनों स्कूटर में सब कुछ सिमिलर ही है, ओवरऑल लुक, डिज़ाइन, लेंथ, वेथ, सीट हाइट, फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल टैंक, इंजन परफॉर्मेंस, सब कुछ सिमिलर ही है। सिर्फ प्राइसिंग में डिफरेंस है, 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे आपको वो लेने के लिए। तो भाई ये रहा इन दोनों स्कूटर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, वो चीज़ें जो मुझे नज़र में आई वो मैं बता चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ और भी डिफरेंसेस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, गालियाँ मत देना बस कमेंट सेक्शन में बता देना। तो अभी बात करें कि 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके क्या हमें इसे लेना सही रहेगा, तो भाई मुझे तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आता कि इसे 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके लेना चाहिए। हाँ अगर आपको कलर अलग चाहिए, ग्राफिक्स अलग चाहिए, एक स्पोर्टी एडिशन चाहिए, तो आप इसे बिल्कुल ले सकते हो आग बंद करके, या फिर आप मेरी तरह एक डिसेंट स्कूटर लेना चाहते हो तो आप इसमें जा सकते हो। बस यही कहना था, और बाकी वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है अगले वीडियो में।